हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और ये ESD केबल है और इसमें एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट आउट होता है, तो स्पार्किंग जो है आउट हो रहा है। स्पार्किंग निकलने का मतलब है कि ESDT से एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट आउट हो रहा है। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट अगर आउट होने लगे तो उस स्थिति में ये समझेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन और पावर सप्लाई सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेक्शन और पावर सप्लाई में से दोनों में से किसी के भी खराब हो जाने से एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट जो ESD केबल होता है उससे प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ देखेंगे कि ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से 110 वोल्ट की सप्लाई ESDT को देते हैं, और साथ ही साथ है यहाँ इस जो इसके प्राइमरी का जो इस लेग को ESDT का जो इस ये जो लेग बना हुआ है उसको हम लोग 15625 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी देते हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आता है? तो फ्रीक्वेंसी देने के लिए इस टेलीविजन सेट में या किसी भी टेलीविजन सेट में एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना होता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है और उसके बाद जो है यहाँ देते हैं। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनावट के आधार पर तीन भागों में बना होता है, जो कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन, जो कि SIC के अंदर बना होता है। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद में आउट होता है, और यही फ्रीक्वेंसी देते हैं हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन को। ड्राइवर सेक्शन में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ट्रांजिस्टर उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके ड्राइवर ट्रांसफार्मर को देता है, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर उस सिग्नल को ड्राइव कर देता है, आगे की ओर भेज देता है, और भेजने के बाद में यह फ्रीक्वेंसी चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के बेस को, जो कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है। और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर अपने कलेक्टर से निकाल करके फ्रीक्वेंसी ESDT को दे देता है, और इस प्रकार से ESDT के प्राइमरी के एक सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं और दूसरे सिरे को जो है पावर सप्लाई से जैसी वोल्टेज देते हैं तो विभिन्न मान का ESDT से वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ है हम लोगों का एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट जो कि केबल से अभी हम लोग चेक किए कि जो है प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावे ESDT निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए अनेकों मेथड है, उसके द्वारा भी और अन्य मेथड से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अन्य मेथड में क्या है कि जब कभी भी ESDT से एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट आउट होता है तो केवल एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट ही नहीं आउट होता है, अनेकों प्रकार के वोल्ट आउट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है ये CRT बेस है, और यहाँ से पिक्चर ट्यूब के लिए हीटर की सप्लाई देते हैं, तो हीटर सप्लाई भी ESDT से ही आउट होता है। तो देखेंगे कि ESDT के सेकेंडरी से निकलने वाला AC वोल्ट, 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई यहाँ से यहाँ और ऐसे होते हुए यहाँ पर AC हमको प्राप्त होगी। AC वोल्ट कब मिलेगा? जब आपका ESDT का निर्माण हो तब। तो ESDT से एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट के अलावे जो है यहाँ पर हमको लगभग 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो आइए मल्टीमीटर को हम लोग पहले AC 220 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के काला तार को इसके ग्राउंड में रखेंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड में रखेंगे काला तार को, और इसके बाद लाल तार से यहाँ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई मिल जाए तो ये मानेंगे कि हमारा जो है ये ESDT से एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट और अन्य प्रकार का वोल्ट निकल रहा है, यानी कि ESDT का निर्माण हो रहा है। अगर ESDT का निर्माण नहीं हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करना है? सबसे पहले जो है पावर सप्लाई से वोल्टेज की जांच करेंगे। अगर वोल्टेज मिले फिर भी ESDT से विभिन्न मान का वोल्ट या फ्रीक्वेंसी नहीं निकले तो उस स्थिति में हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन की जाँच करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन की कभी भी जाँच करने से पहले हम लोग को करना क्या होता है कि यहाँ पर लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर होता है हॉरिजॉन्टल आउटपुट, जो जिसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, उस ट्रांजिस्टर को हम लोगों के उसके बेस को डिसकनेक्ट कर देना है, उसके बेस को इस लाइन से डिसकनेक्ट कर देना है। तो डिसकनेक्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ ट्रैक भी आप काट कर डिसकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक नहीं काट करके सबसे आसान उपाय ये होता है कि आप जो है इसके लेग को ही नीचे से काट दीजिए, या अगर लेग नहीं काटना चाहते हैं तो इस ट्रांजिस्टर को भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो है लेग काटना सबसे आसान होता है, क्योंकि जो है जब चाहेंगे तब उसको जो है फिर सोल्डिंग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके लेग को काटेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे। इस यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का बेस है तो उसको हम लोग काट रहे हैं, ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का बेस है, उसके बेस के कनेक्शन को काट देंगे। तो ये देखिएगा कि इस ट्रांजिस्टर का बेस का कनेक्शन जो है हम लोग काट चुके हैं। तो देखेंगे कि यहाँ जो है ट्रांजिस्टर का बेस जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, और
अब इसके बेस के कनेक्शन को काट चुके हैं, अब हम लोग इसके यहाँ एसी वोल्ट की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इस टीवी के किट को सप्लाई देंगे और देने के बाद में हम लोग एसी वोल्ट की जांच करेंगे। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एसी वोल्ट की जांच करना है। एसी वोल्ट अगर मिले तो ये मानेंगे कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर और यहाँ तक विभाग बिल्कुल सही है। इसके बाद भी अगर ESTT का निर्माण नहीं हो तो खराबी आपकी या तो इस ट्रांजिस्टर की होगी या ESTT की होगी या जो है पावर सप्लाई की होगी। पावर सप्लाई से वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी जो है आपको ESTT का निर्माण नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एसी वोल्ट की जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 0.8 के आसपास जो है एसी वोल्ट जो है हमारा प्राप्त हो रहा है। बहुत ही नाम मात्र का वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पर, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो, यहाँ पर किसी प्रकार का वोल्ट नहीं है। मीटर है, मीटर ग्राउंड में होता है, तो एमीटर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा ग्राउंड में है। तो यहाँ पर एसी वोल्ट मिलना चाहिए। एसी वोल्ट अगर नहीं मिले तो उस स्थिति में खराबी आपको या तो हॉरिजॉन्टल ड्राइवर विभाग की होगी या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर विभाग की होगी जो इस आईसी के अंदर बना हुआ है, या आपका टेलीविजन सेट जो है स्टैंड बाई मोड में होगा। अगर स्टैंड बाई मोड में होगा तो भी यहाँ पर एसी वोल्ट प्राप्त नहीं होगा। स्टैंड बाई से जब इसको रिलीज करेंगे तभी यहाँ पर एसी वोल्ट हमको प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि ये विभाग के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके जानेंगे, उसके बाद और आगे की ओर जो है देखेंगे। तो सबसे पहले इस आईसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि आईसी कैसे, सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा इसको जूमिंग करेंगे और जूम करके जो है आईसी के थोड़ा सा फंक्शन को हम लोग पहले समझेंगे। यहाँ से आईसी का पिन नंबर एक स्टार्ट होता है। तो ये पिन नंबर एक, फिर इसको सप्लाई काटे हुए हैं। तो अब यहाँ पर चेक कर देखेंगे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर एक है या दो है या तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, बारह से लेकर के बारह, तेरह, चौदह और पिन नंबर सत्रह। ये जो पिन होते हैं ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन से रिलेटेड पिन है। पिन नंबर बारह, तेरह, चौदह और सत्रह और अठारह जो है ग्राउंड होता है। तो ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन होता है इसका आईसी के अंदर जो बना उससे रिलेटेड पिन है, इनसे संबंधित पुर्जे खराब हो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन इस आईसी के अंदर सही रूप से काम में नहीं करेगा। तो सबसे पहले समझिए कि इस आईसी के अंदर बना हुआ हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो है, इसमें देखेंगे कि इस आईसी का पिन नंबर जो 13 जो होता है वो हॉरिजॉन्टल आउटपुट पिन होता है। इसी पिन से 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है। लेकिन कब आउट होगा? जब ये आईसी सही होगा तब, और इस आईसी को सप्लाई सही रूप से मिलेगा तब। तो आईसी के पिन नंबर 13 से निकलता है 15625 हर्ट्ज का सिग्नल, जो कि बहुत ही कमजोर होता है। उसको एम्पलीफाई करने के लिए पिन नंबर 13 देखेंगे कि यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ चलाता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा पिन नंबर 13 है ऐसे होते हुए चला जाता है सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को। यह ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस को चला जाता है। तो देखते हैं कि क्या पिन नंबर 13 जो है इसके बेस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है पिन नंबर 13। तो यह मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी के रेंज में फिट किए हुए हैं, और फिट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि यह पिन नंबर 13 क्या जो है वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो देखेंगे कि पिन नंबर 13, यह 13 जो है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी बताना चाहिए, क्योंकि यह जो पिन नंबर 13 यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा होता है तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको नहीं बताएगा, केवल नंबर बताएगा। अब देखेंगे कि यहाँ से इसका सीधे कनेक्शन जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस से होता है। तो यहाँ से जैसे ही 13 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी 15625 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी निकला, यहाँ से यहाँ आया और सीधे चला गया इस ट्रांजिस्टर के बेस को। जब बेस को जाता है तो कलेक्टर से वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के निकलेगा और निकल करके सीधे चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को। तो देखेंगे कि जैसे ही यह फ्रीक्वेंसी तो इसके बेस को गया, तो जब इसके बेस को जो फ्रीक्वेंसी गया तो वो एम्पलीफाई होकर के इसे कलेक्टर चला जाता है। तो ये कलेक्टर देखेंगे किसे जुड़ा हुआ है, कलेक्टर पर चला गया। अब देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर है इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई के लिए क्या है कि इसका ये जो इमीटर है, ये ट्रांजिस्टर का बेस है या कलेक्टर है और इमीटर है, इमीटर जो है ग्राउंड से जुड़ा होता है, निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो ये ट्रांजिस्टर का इमीटर जो है निगेटिव लाइन से, तो हम लोग जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर का इमीटर ग्राउंड से जुड़ा होता है। तो देखेंगे कि ये भी ग्राउंड से जुड़ा होगा, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के इमीटर को निगेटिव मिलता है और ट्रांजिस्टर के बेस को नाम मात्र का वोल्ट मिलेगा, जबकि वोल्ट जो आप कहाँ से मिलता है इसको, तो इस आईसी के पिन नंबर 13 से निकलने वाला जो सिग्नल होता है और साथ ही साथ लगभग 2 वोल्ट यहाँ से आईसी के पिन नंबर 13 से निकलता है। तो वही वोल्ट निकल करके यहाँ से रेजिस्टेंस को वोल्टेज घट जाता है और घट करके नाम मात्र का वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के बेस को प्राप्त होगा। इसके बाद देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के इस सिरे पर सप्लाई 24 वोल्ट के लाइन से दिया जाता है।
तो हम लोग देखेंगे कि पावर सप्लाई, ये जो है हमारा पावर सप्लाई है, और ये पावर सप्लाई में से देखेंगे कि यहाँ से 24 वोल्ट का यह लाइन है, 24 वोल्ट यहाँ से आपको प्राप्त होगी, 24 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा, ये सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ आता है, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा ये सप्लाई सीधे चला जाता है इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को। इस प्रकार से जैसे ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी को सप्लाई देते हैं, तो यही सप्लाई जो है प्राइमरी को दूसरे सिरे से निकल करके चला जाता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई मिल गया और इमीटर नेगेटिव में चला गया, और इधर से आईसी के पिन नंबर 13 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी जैसे इसके बीच को गया तो कलेक्टर से निकल करके ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को गया, और प्राइमरी में जैसी फ्रीक्वेंसी गया तो यही फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तरफ पहुंच जाता है, और आने के बाद में यही फ्रीक्वेंसी चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के बेस को। जैसे इसके बेस को फ्रीक्वेंसी देते हैं 15625 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी, तो वह फ्रीक्वेंसी शक्तिशाली होकर के कलेक्टर से निकल करके ईएसटीटी को चला जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर ईएसटीटी लगा हुआ है, इसके फ्रीक्वेंसी निकल करके यहाँ चला गया इस ईएसटीटी को, कलेक्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी इसके ईएसटीटी को मिला। और हम लोग को जानना क्या है इस आईसी के बारे में, पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो आईसी जो मल्टी फंक्शन आईसी जो लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके बारे में पहले जानेंगे कि ये आईसी किस प्रकार से काम करता है, उसके बाद जो है और जो है इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बारे में समझ गए कि इसको सप्लाई कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो पहले इस आईसी के बारे में जाना, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि पिन नंबर 13 के बारे में जान गए कि 13 जो है इस आईसी का आउटपुट पिन होता है, और ये 13 से पिन नंबर जो 13 होता है वो 13 से 15625 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी आउट होता है। और पिन नंबर 12 के बारे में जानते हैं, क्योंकि 12 13 14 और 17 जो है इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड पिन है, इस आईसी का हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड पिन है, तो इनसे संबंधित अगर पुर्जे खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में पिन नंबर 13 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी का मान बदल सकता है। तो पिन नंबर 13 तो देख लिए कि 13 जो है ऐसे होते हुए विभिन्न पुर्जों के द्वारा चला जाता है इस ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर से कलेक्टर से निकल करके ड्राइवर ट्रांसफार्मर को जाता है, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर से ये वही फ्रीक्वेंसी ड्राइवर ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी में की तरफ चला जाता है, और सेकेंडरी से निकल करके ये यही फ्रीक्वेंसी चल देते हैं ईएसटी को। तो ईएसटी को जब फ्रीक्वेंसी दे दिए और वोल्टेज दे दिए तो ईएसटी के बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ईएसटी बनना शुरू हो जाता है तो ईएसटी के सेकेंडरी से ही हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स आउट होता है, ईएसटी के सेकेंडरी से ही हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स आउट होता है। तो वो पल्स कहाँ से आउट होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स आउट होता है, जो कि एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आता है, और एक यहाँ से कैपेसिटर लगा होता है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा यही हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स यहाँ आ जाता है, और यही हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स देखेंगे कि यह लाइन को पकड़े हुए ये जो है हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स सीधे चला जाता है। इस लाइन को पकड़े हुए हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स आपको सीधे यहाँ से ऐसे होते हुए ये लाइन को पकड़े हुए देखेंगे कि ये जो है फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है आपको यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर तो यहाँ पहुँचता है। तो कहाँ से निकला, तो ईएसटीटी से निकला। तो ईएसटीटी थोड़ा सा इसको जूमिंग कम करेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो देखते हैं कि जूमिंग कम कर दिए हैं, इसके बाद समझ रहे हैं कि ईएसटी के यहाँ से निकला हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स, निकलने के बाद यहाँ आया, यहाँ से आए कैपेसिटर लगा, और कैपेसिटर के द्वारा ये लाइन को हमको कंटिन्यूटी में डाल करके देखेंगे कि यह लाइन ऐसे होते हुए सीधे आप देखिएगा कि यह लाइन यहाँ से जुड़ा हुआ है, डिप के बाजारी है। तो यहाँ का जो जब ईएसटी का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा तो ईएसटी के क्या इस पिन को 15625 हर्ट्ज़ का सिग्नल कहीं गलत तो नहीं मिल रहा है, कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं मिल रहा है, तो इसकी जो है सूचना फीडबैक के रूप में इस ईएसटी के सेकेंडरी से निकल करके यहाँ से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा सीधे आप देखिएगा कि यहाँ पहुँच जाता है। और जब यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा यही सूचना चला जाता है कहाँ पर, तो सीधे इस आईसी के पिन नंबर 12 को। इस आईसी के जैसे ही पिन नंबर 12 को हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स का जब यहाँ प्राप्त हुआ, तो ये आईसी अपने पिन नंबर 13 के फंक्शन को कंट्रोल करेगा और बिल्कुल स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी आउट करता है। पिन नंबर हम लोग 12 भी समझ गए कि 12 में जो है हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक पल्स दिया जाता है,
और इसके बाद 13 के बारे में भी जान गए कि 13 से 15,625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो निकलता है वो सीधे चला जाता है इस ट्रांजिस्टर को, इसके बाद यहाँ से होते हुए जो है ईएसटीडी को चला जाता है। इसके बाद 14 के बारे में जानेंगे। 14 जो होता है इस आईसी का, यह पिन नंबर 13 मार्किंग किया हुआ 13, 14 देखेंगे कि 14 जो है एएफसी पिन है, हॉरिजॉन्टल फ्लाईबैक जो है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का यह पिन है, पिन नंबर 14। 14 के साथ लगा हुआ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है और यही पिन नंबर 14 देखेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा यह 8 वोल्ट का लाइन से जुड़ा होता है। तब पिन नंबर 14 जो है एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर के द्वारा 8 वोल्ट लाइन से जुड़ा रहेगा, साथ ही साथ पिन नंबर 14 के साथ है देखेंगे कि एक कैपेसिटर निगेटिव लाइन से लगा होता है। इनसे संबंधित अगर पुर्जे खराब हो जाते हैं इस आईसी के पिन नंबर 14 से, तो उस स्थिति में ऑटोमेटिक ढंग से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं होगा, तो उस स्थिति में देखेंगे कि आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल रोलिंग का जो है दोष उत्पन्न हो सकता है, यानी कि इसके पिन नंबर 13 से फ्रीक्वेंसी सही मान का नहीं निकलेगा। इसके बाद जानेंगे कि पिन नंबर 17 जो है इस आईसी का पॉजिटिव पिन होता है। जब इस आईसी को पॉजिटिव सप्लाई अगर नहीं देते हैं तो उस स्थिति में इस आईसी के अंदर बना हुआ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन है, वह काम है नहीं करेगा। तो पिन नंबर जो आपका 17 होता है, 17 को लगभग 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो 8 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आता है, तो इसको स्टैंड बाई सर्किट से इसको सप्लाई दिया जाता है। स्टैंड बाई जो सेक्शन बना होता है इस टेलीविजन सेट में, जिसके बारे में आपको आगे जो है आने वाले वीडियो में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा कि इस प्रकार से जो है हम लोग स्टैंड बाई सर्किट की जाँच करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर स्टैंड बाई सर्किट के द्वारा इसको सप्लाई दिया जाता है। तो स्टैंड बाई सर्किट जो है रिमोट पर, रिमोट के द्वारा या आपका जो फ्रंट का जो की होता है उसके द्वारा जो है स्टैंड बाई सर्किट जो है कंट्रोल को किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फ्रंट पैनल है का एक जो है भाग बना हुआ है, यहाँ पर फ्रंट पैनल के लिए यहाँ पर हमने जो है बजाते जो है सेंसर का जो है किट यहीं पर लगा दी है, ताकि जो है किसी प्रकार का जो है हम लोग आसानी पूर्वक समझ पाए। तो अब हम लोग को क्या करना है कि पिन नंबर 17 का हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे कि पिन नंबर 17 पर लगभग 8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो ये पिन नंबर 17 हो गया, 17 पर 8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर चेक करेंगे। तो 17 पर 8 वोल्ट की सप्लाई जो है स्टैंड बाई सर्किट से मिला, अभी हम लोग समझे, तो देखिए कि सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि क्या पिन नंबर 17 पर 8 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को फिट कर देंगे हम लोग वोल्टेज की रेंज में, और डीसी वोल्ट की रेंज में फिट करेंगे, और फिट करने के बाद 200 वोल्ट का डीसी के रेंज में फिट किए हुए हैं, और फिट करने के बाद अब हम लोग पिन नंबर 17 पर सप्लाई की जांच करेंगे कि 17 पर सप्लाई हमारा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं, ये पिन नंबर 17 है, तो 17 पर हम लोग सप्लाई की जाँच करते हैं और ये देखेंगे कि लगभग 7.45 यानी कि लगभग 8 वोल्ट के आसपास सप्लाई यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर सप्लाई मिलेगा तो भी आप मानिए कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करेगा, और अगर यहाँ पर सप्लाई अगर नहीं देंगे तो उसी स्थिति में इसके अंदर का ऑसिलेटर विभाग काम नहीं करेगा, पिन नंबर 13 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी आउट नहीं होगा।